नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों आज के आप लोग के इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के संबंध में। तो आपको बता दें रेलवे ग्रुप डी की शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है इसमें सभी सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जाँच 26 अप्रैल से होगी शुरू। इस संबंध में क्या अपडेट है आज के इस वीडियो में आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए तो आप लोग अपने चैनल बीएससी ट्रिकी क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे और आप लोग हर एक चीज से अवगत बने रहे। तो चलिए देखते हैं, आइए जानते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जो जांच है वो आप लोग की 26 अप्रैल से होगी। तो ग्रुप डी के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा होने के बाद अब 26 अप्रैल से उनके दस्तावेजों की जाँच शुरू होगी। जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सही पाए जाएंगे उनकी मेडिकल जांच होगी। रेल भर्ती प्रकोष्ठ यानी कि RRC इलाहाबाद के 4,762 पदों के लिए 5,000 अभ्यर्थियों को बुलाएगा यहाँ पर ये RRC, और यह प्रक्रिया जो है लगभग 1 महीने तक चलेगी। जल्द ही RRC इलाहाबाद की वेबसाइट पर इसकी सूचना जो है अपलोड कर देगा। RRC इलाहाबाद ने 26 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक ग्रुप डी के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है यहाँ पर कहाँ ली जाएगी, ये आप लोग की DSA मैदान पर ले जाएगी। ठीक है, तो 26 मार्च से जो 8 अप्रैल के बीच जो ग्रुप डी के अभ्यर्थियों की जो शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है DSA मैदान पर ली गई थी, अब क्या होगा, अब 26 अप्रैल से उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेरीफाई किए जाएंगे। तो उनके दस्तावेजों की जाँच के लिए अभ्यर्थियों को अब बुलाया जाएगा। तो एक दिन में 150 से लेकर 200 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जाँच होगी। RRC इलाहाबाद की तैयारियां हैं कि जिन अभ्यर्थियों के जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएं तो उनका मेडिकल भी जो है जल्द से जल्द हो सके। RRC की तैयारी है कि दस्तावेजों की जांच होने पर उसी दिन या फिर अगले दिन मेडिकल जांच भी करा ली जाए। मेडिकल के लिए अभ्यर्थियों को रेलवे के जोनल चिकित्सालयों में भेजना है। तो RRC इलाहाबाद के चेयरमैन विवेक प्रकाश जी का कहना है कि दस्तावेजों की जाँच के लिए 5,000 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ओके, तो फिलहाल अभी के इस अपडेट में सिर्फ इतना ही रखते हैं। इस संबंध में कोई भी अदर अपडेट आएगी तो आपको तुरंत अप टू डेट किया जाएगा। बने रहिए दोस्तों आप लोग अपने चैनल बीएसएल ट्रिकी क्लासेस में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।